तो हमने लास्ट क्लास के अंदर कॉमन एरर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, तो हमने कॉमन एरर के अंदर काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे आते हैं सीजल के अंदर, वो सारे डिस्कस किए थे। तो आज भी हम कॉमन एरर करने वाले हैं, क्योंकि कॉमन एरर आपके हर एग्ज़ाम के अंदर आता है, हर एग्ज़ाम के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स मान लीजिए, वहाँ भी कॉमन एरर का कहीं ना कहीं रोल होता है। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के अंदर भी कॉमन एरर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज की क्लास के अंदर हम वही करेंगे फिर से, कॉमन एरर, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारा 4 मंथ का बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम मैथ इंग्लिश कवर कर रहे हैं, हम SSC CGL CHSL MTS लेवल को कवर किया जा रहा है। तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाता है। अब तक हमारी मैथ की काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुकी है, इंग्लिश की भी अपलोड हो रही हैं, और मैथ के अंदर हमारा जो टारगेट है CGL का, इस बार हमारा टारगेट है SSC CHSL MTS CGL टारगेट 2020 एंड 2021। तो आप साथ मेरे साथ जुड़िए, मैं रेगुलर क्लास अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ। क्लास की लैंग्वेज बाइलिंगुअल होती है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, तो आपको देखते हैं आपको कितना आता है अभी तक CGL के अंदर, क्योंकि हम एकदम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर का। तो अच्छा देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। यू आई एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, ही आई एंड यू आर क्रिमिनल। अच्छा देखिए, अब मैंने दो सेंटेंस लिख दिया आपके आगे। अब इस सेंटेंस में ना आपको बताना कि एरर क्या है। देखो, यू आई दे ही आई यू, ठीक है। तो एक सेंटेंस क्या है, गुड सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस आता है कि एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड सेंटेंस में ही आई एंड यू आर क्रिमिनल, मतलब वो अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं। तो यहाँ पे सेंस अच्छा नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस बिल्कुल अच्छा नहीं आता। तो अब देखो, दिखने में यहाँ पे ना कोई गलती नहीं लग रही कि कोई भी गलती नहीं है, मगर यहाँ पे गलती है, दोनों सेंटेंस गलत हैं। और क्यों गलत है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, पर पहले एक बार डिस्कस कर लें हमारा जो टॉपिक है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें गलती है वो है सीक्वेंस की, हमें सीक्वेंस फॉलो करना होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। देखो, दिखने में ना अगर वैसे नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, लेकिन देखो 3 पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। और दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव जिनसे अच्छा सेंस आता है, और एक होते हैं नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव। अब देखो, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन देखो हमेशा दो होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है आई, ठीक है, सेकंड हमेशा होता है यू, और थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकता है, ठीक है, और भी कोई जितने भी लोग हैं थर्ड पर्सन के अंदर आ सकते हैं। बस फर्स्ट पर्सन में आई आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी और दे आता है, ठीक है। ये आपका एक सेंस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सीक्वेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सीक्वेंस होता है 2 3 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में सीक्वेंस क्या है, 2 3 1, मतलब जो 2 है वो हमेशा सबसे आगे आएगा। 3 कब आएगा, 3 हमेशा 2 के बाद आएगा, और 1 कब आएगा, हमेशा सबसे एंड में आएगा। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस वो स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा, सेकंड पर्सन सबसे बाद में आएगा, और थर्ड पर्सन सबसे एंड में आएगा, ये होता है। और ऐसा क्यों होता है, देखो जब हम कोई क्राइम एक्सेप्ट करते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ मान लो, इसका एग्जांपल लो कोई क्रिमिनल, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो क्रिमिनल है, ठीक है, तो सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन जो मैं होऊंगा, पहले आप ये बोलोगे ना कि हाँ मैंने क्राइम किया, तभी आप बाद में दूसरों को बोलोगे कि हाँ तुमने भी क्राइम किया। तो सबसे पहले आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब तारीफ़ करने की बात आती है तो हम पहले दूसरों की तारीफ़ करते हैं, अपनी तारीफ बाद में करते हैं। तो ये सेंटेंस है, ये सेंस जाता है कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, पॉजिटिव, तो अपना नाम सबसे एंड में लेना है, फर्स्ट पर्सन सबसे एंड में आएगा, पहले बाकी पर्सन को आन दो, ठीक है। और जब कोई क्राइम की बात होगी, कोई नेगेटिव चीज़ बात होगी, तो सबसे पहले आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है, और बाद में बाकी लोग आएंगे। तो ये इसका लॉजिक है, ठीक है। अब देखिए, ये क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस, तो पहले कौन आता है, यू, ठीक है, तो यू तो सही है। फिर कौन आता है, थर्ड पर्सन आता है, थर्ड कौन है, दे, मगर यहाँ पे तो आई लिखा है, तो ये गलत है। अब सेंटेंस सही कैसे होगा, सेकंड पर्सन में आएगा दे,
ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन होगा, आई, यू, दे, आई आर गुड फ्रेंड्स। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर एकदम सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कहता ही, आई एंड यू, ही कौन था थर्ड पर्सन, आई कौन है फर्स्ट पर्सन, और यू कौन है सेकंड पर्सन, मगर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, फर्स्ट पर्सन यहाँ आना चाहिए था, सेकंड पर्सन यहाँ पे, थर्ड पर्सन यहाँ पे, तो मतलब फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, वो यहाँ पे आएगा, सेकंड पर्सन कौन है, यू, वो यहाँ पे आएगा, और थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन है दे, वो ही, थर्ड पर्सन यहाँ पे ही रखा था, वो यहाँ पे आएगा, मतलब आई, यू, ही आर क्रिमिनल। बस ये था लॉजिक जो मैंने आपको समझाया, मगर इसके एक एग्जेप्शन भी है, वो भी आपको करा देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर एग्जेप्शन पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, एग्जेप्शन। एक बार कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ, देखता हूँ आपको कितना समझ आया। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, I, they, and you committed crime. ठीक है, he, you, he and you आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे, यू, दे एंड यू, दे एंड यू आर क्रिमिनल। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके चार सेंटेंस है, इसमें आपको गलती निकालनी है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है 3-2-1, और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, 1-2-3, है ना। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं सही गलत है, पहले आप खुद सोचिए, अपने आप आराम से वीडियो को पोस्ट कीजिए, इसको सोचिए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब मैं बताता हूँ, देखो You and I are good friends. तो सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, 3-2-1, पहले कौन होता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, मगर यहाँ तो सिर्फ दो ही लोग हैं, यू एंड आई, थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, दो ही लोग हैं, ठीक है। अगर दो लोग हैं तो कौन कौन से हैं, एक तो यू है, यू कौन है, सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन होता है, ठीक है, तो सेकेंड पर्सन, ठीक है, और आई कौन है, वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ओके। हमेशा हमें क्या बोला जाता है कि फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सेकंड पर्सन आएगा और फर्स्ट पर्सन उसके बाद में आता है, तो यहाँ क्या है, सेकंड पर्सन आगे आ रहा है और फर्स्ट पर्सन उसके बाद में आ रहा है, तो सेंटेंस सही है, ओके। ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कमिटेड क्राइम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, आई, दे एंड यू, गलत है, क्यों, स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये तो है फर्स्ट पर्सन, चलो सही है। फिर यहाँ पे सेकंड पर्सन आता है मगर थर्ड आ रखा है, और यहाँ पे थर्ड आता है, टू आ रहा है, तो मतलब यू को हम यहाँ लिखेंगे और दे को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यू और दे आपस में क्रॉस किए जाएंगे, दोनों एक दूसरे की जगह रिप्लेस करेंगे, तब जाके सेंटेंस सही होगा, अभी गलत है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, ही एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, देखो ही एंड यू, ठीक है, तो ही कौन सा है, थर्ड पर्सन होता है, ही क्या है, थर्ड पर्सन, और यू क्या है, सेकेंड पर्सन, और पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले थर्ड पर्सन आता है और बाद में सेकेंड पर्सन आता है, ठीक है, है ना, तो ही एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड, तो ये सही है, क्योंकि पहले ही आ रहा है फिर यू आ रहा है। लास्ट सेंटेंस क्या है, दे एंड यू आर क्रिमिनल, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 1-2-3, पर यहाँ पे वन फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं, क्योंकि आई तो दे रखा, यहाँ पे क्या दे रखा है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना, तो सेकंड पर्सन क्या है, यू, और उसका थर्ड पर्सन, मगर स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस में पहले कौन आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन में से, पहले आता है सेकंड पर्सन, बाद में थर्ड पर्सन, पर यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन जो यू है वो बाद में आ रखा है और थर्ड पर्सन पहले, तो ये सेंटेंस गलत है। सही कब कब होगा, जब यू पहले आएगा और दे बाद में आएगा, बस आप इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सीजीएल एमटीएस के अंदर खासकर, क्योंकि इजी लेवल के क्वेश्चन हैं और ये पूछे आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ और नोटिस की है, वो क्या है देखो, हमने आई का यूज़ किया, फर्स्ट पर्सन कौन है आई, लेकिन हमने वी का यूज़ नहीं किया। एक वर्ड ये भी तो होता है वी, वी भी तो होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि वी कौन से पर्सन है, वी के अंदर तो मैं भी आता हूँ, सामने वाला भी आता है, और तो सभी लोग आते हैं, है ना। तो वी कौन सा पर्सन है, हम वी जब जब सेंटेंस में वी यूज़ होगा ना, वर्ड वी यूज़ होगा, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर रखना है, हमें रखना है 1 2 3, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा स्ट्रक्चर 1 2 3 रहेगा अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें, ठीक है। तो देखो अगर फर्स्ट पर्सन वी है, फर्स्ट पर्सन कौन सा आएगा, वी आएगा, सेकंड पर्सन यू रहता है, और थर्ड पर्सन ये, देखो फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन होगा यू, और थर्ड पर्सन ही शी एंड दे, जितने भी पर्सन है वो थर्ड पर्सन हो जाएंगे अगर सेंटेंस के अंदर वी आ जाए। कैसे, एग्जांपल देता हूँ, एक ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अगर मैं सेंटेंस लिख दूँ, यू वी एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यू वी एंड दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स, ये सेकेंड सेंटेंस हो गया। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है, जब वी आएगा ना सेंटेंस में, अगर वी आता है तो स्ट्रक्चर हमेशा 1 2 3 होगा, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर वी नहीं आता तो फिर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या है, 3 2 1, और नेगेटिव के लिए 1 2 3, लेकिन वी आ जाएगा तो स्ट्रक्चर हमेशा 1 2 3 रहेगा। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, 1 2 3, वन कौन है, वी, सेकेंड कौन सा है, यू, और थर्ड कौन है, दे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी, फिर आएगा यू आएगा, और फिर दे आएगा, ठीक है। मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा वी, यू गलत है, ठीक है, यहाँ पे आएगा यू, और दे अपनी जगह सही है, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे क्या होगा, यू की जगह पहले आएगा वी, फिर आएगा यू, और दे अपनी जगह सही है। अब जाके सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में ये लिख दूँ मैं, यू वी आर गुड फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे दो ही लोग दे रखे हैं, एक और लिख देता हूँ, वी एंड यू आर नॉट गुड फ्रेंड्स, लो। अब देखो यहाँ पे तीन पर्सन दे रखे हैं, सिर्फ दो लोग दे रखे हैं, पहले में यू एंड वी, और सेकंड में वी एंड यू, है ना। यहाँ मैंने एंड नहीं लिखा, लिख देते हैं इस तरह का सेंटेंस दिया, ठीक है, यू एंड वी आर गुड फ्रेंड्स, वी एंड यू आर नॉट गुड फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकेंड थर्ड, मगर यहाँ थर्ड पर्सन नहीं, दो ही लोग हैं, फर्स्ट पर्सन कौन होगा, वी, तो वी को तो हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे यू नहीं वी आएगा, और फिर आता है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन कौन था, यू, यहाँ यू दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो यू यहाँ पे आएगा, यहाँ वी नहीं यहाँ यू आएगा। तो सेंटेंस क्या हुआ, वी एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। अब सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं, ये क्या है, वी एंड यू आर गुड फ्रेंड, तो पहले कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है, वी, तो वी दे रखा है, सेंटेंस सही है, और सेकेंड पर्सन कौन है, यू दे रखा है, सही है, ठीक है। तो इस तरह हमने ये वाले क्वेश्चन कर लिए। तो अभी हमने जो इंग्लिश में वो कराया है, जो ग्रामर का एकदम बेसिक पार्ट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे इन क्वेश्चन में कोई गलती समझते नहीं है, क्योंकि ना इनमें एरर दिखाई देती नहीं है, लगता ही नहीं कि इसके अंदर कोई एरर है, लेकिन रियलिटी में एक एरर होती है जो आपको फाइंड करनी होती है सीक्वेंस का। तो मैंने आपको सबसे शॉर्टकट तरीका बताया कि ये कर लो कि पॉजिटिव सेंटेंस में 3 2 1, नेगेटिव सेंटेंस में 1 2 3, लेकिन ये सिर्फ तब यूज़ होगा जब सेंटेंस में वी ना दे रखा हो, डब्ल्यू ई वी नहीं आया हो, लेकिन अगर सेंटेंस में वी दे रखा हो, ठीक है, तो हमेशा सीक्वेंस 1 2 3 रहेगा, हमेशा, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो। तो आज क्लास के इतना इतना ही, हमने आपको कॉमन एरर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे आते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कोई डाउट होता है कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।